देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है वो तो विशेष रूप से इस विषय पर है कि पिछले बीते कुछ दिनों पहले देवघर से एक कुछ अखबार में आया था कि अखबार के माध्यम से मुझे पता चला कि हमारे समाज के कुछ लोग हमारे भारत के गृह मंत्री से मिलने के लिए गए थे और वहाँ से कहा गया कि घटवालों का जो मुद्दा है कि आरक्षण वो हमें पुनः आदिवासी में शामिल किया जाए, वो इलेक्शन के बाद झारखंड चुनाव के बाद इस पर हम विचार करेंगे। तो मेरा बस एक ही कहना है कि हमारे उन समाज के अगुवा से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ठीक है, चुनाव के बाद आप देखेंगे मामला को, लेकिन अभी चुनाव से पहले जो आपका घोषणा पत्र जारी होगा तो हम चाहते हैं कि गढ़वाल समाज के उन नेताओं से और भाजपा के उन नेताओं से कि आप घोषणा पत्र में गढ़वाल का मुद्दा को रखिए कि ठीक है, हम इलेक्शन के बाद जो है चुनाव के बाद आप लोगों का काम हम करेंगे। अगर आप ये काम कर पाते हैं तो हमारे समाज को ये लगेगा कि नहीं, आप हमारे काम को करेंगे, अन्यथा ये जो है पेपर का जो मामला है पेपर में ही रह जाएगा और हम लोग इसी तरह फिर से ठगाने का काम करेंगे। किन बातों पर चर्चा हुई विधानसभा को लेकर? विधानसभा को लेकर ऐसे सुनने में आ रहा कि आप लोगों के द्वारा, गढ़वाल समाज के द्वारा मांग किया जा रहा है कि जगमुंडी और बुरेहाट में सीट मिलना चाहिए अपने समाज समाज में, गढ़वाल समाज। देखिए, ये जरमुंडी और पोड़ैया हाट की बात नहीं है। मैं यहाँ जरमुंडी और पोड़ैया हाट, या हम सभी यहाँ जरमुंडी और पोड़ैया हाट की बात करने के लिए नहीं आए। हम सभी आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज आप देखते होइएगा कि कांग्रेस का आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, तो आप देखिए कि आज कुर्मी लोग, कुर्मी को ला करके, वैसे गुमनाम व्यक्ति को ला करके आज प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। आज आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाइए, तमाम जगहों में वो लोग हैं। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों को तो राजनीतिक भागीदारी मिली हुई है। हम तमाम घटवालों के साथ वैसा नहीं है। हम 81 विधानसभा में से कम 50 से 60 विधानसभा में हम प्रभावी हैं। हम कहीं 25 हैं, कहीं 30 हैं, कहीं 40 हैं, कहीं 15 हैं। इतने हजार वोटर की संख्या में उपस्थिति रहने के बावजूद हम निर्णय को प्रभावित करते हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में हमारा स्थान नगण्य। आज हम लोग उसी के लिए गहन चिंतन मंथन करने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारे सामाजिक मुद्दे को, आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में बैठी हुई सरकार, क्योंकि अभी 5 साल अभी वही भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार वहां केंद्र में रहेगी, और उन्हीं को हमारा काम करना है। हमारा चीज वहीं पे पड़ा हुआ है, हमारा आरक्षण का मुद्दा वहीं लटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, खास करके भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो, जो उन लोगों का मैनिफेस्टो जारी होगा, उस मैनिफेस्टो में वो इस मुद्दे को यदि नहीं लाती है कि सरकार बहुत जल्द इस विधानसभा चुनाव के बाद इस मुद्दे पर सार्थक कार्य करेगी और हम घटवालों का आरक्षण से संबंधित मुद्दे का निष्पादन करेगी, यदि वो वैसा अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखती है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से, स्वतंत्र रूप से, ये घटवाल समाज अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। ये जो है ना न्याय उचित घटवालों के साथ न्याय मैंने करेंगे, लेकिन इन्होंने भी जो है ना छलने का काम किया। क्योंकि हमारे लोग 5 साल में चुनावी जो महापर्व आता है लोकतंत्र का, हम लोग अपनी जो है ना मताधिकार का प्रयोग करके और वैसे लोगों को कुर्सी पर बैठाने का काम घटवारों ने किया है, लेकिन आज तक कोई सरकार इस पर पहल नहीं की। हम लोग दुखित होकर के हम लोग यह निर्णय ले रहे हैं। कुछ लोग भाजपा के जो है ना जो सांसद हैं, भाजपा के जो नेता हैं, वे जो है ना हमारे समाज को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत
जब जब चुनाव आती है तब तब जो है ना लॉलीपॉप थमाता है और हमारे लोगों को तोड़ करके वैसे लोगों को जिनका योगदान समाज में नगण्य है, शून्य है, वैसे लोगों को जो है ना भाजपा के जो है ना सांसद ये कहते हैं, ये लोग जो है ना नेतृत्व करते हैं और इनके नेतृत्व में समाज का भला और विकास होगा। और ये मैंने कहा जा रहा है पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके कि भाजपा को ही समर्थन कीजिए, चुनाव में जिताइए तो आप लोग का काम होगा। हम लोगों ने आजादी के बाद से कितने चुनाव देखे और कितने ही चुनाव में जो है ना घटवार समाज के लोगों ने सहयोग किया, लेकिन आज तक हमारी जो है ना मतलब आरक्षण का मुद्दे पर, घटवालों के आरक्षण के मुद्दे पर किसी सरकार ने जो है ना फैसला या निर्णय लेने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग जो है ना आज इस बैठक में ये निर्णय लेंगे, मेलर संगठन के लोग, गटवाल गटवाल आदिवासी महासभा के लोग और आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा के अगुवा साथी के लोग, हम लोग इस बैठक में तय करेंगे कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है झारखंड प्रदेश का, यदि हमारी मैनिफेस्टो को किसी दल अगर यदि मतलब नहीं लाते हैं तो हम लोग घटवार समाज के लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग अपना निर्णय जो है ना स्वयं करेंगे, या हमारा मैंने समाज का बेटा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा आने वाला समय में, तो हम लोग आने वाला समय में विधानसभा चुनाव में पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ी तो जनसभा बुला करके हम अपनी संदेश को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकार को जो है ना देने का काम करेंगे। और वैसे जो सरकार हमारे विरुद्ध, जो दल हमारे विरुद्ध काम कर रही है, हम उनको हराने का भी काम करेंगे इस चुनाव में।